तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और आपको एक से एक जगह दिखाएंगे हम लोग धनबाद की। Hey guys, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, तो करण बताएगा वो स्पेशल जगह कौन सी है। ये ऐसी जगह जा रहे हैं जो बचपन से मेरे को बहुत ही पसंद है और इट इज कॉल्ड मैथन डैम। आप देखना इस व्लॉग में, आपको दिल खुश हो जाएगा कि धनबाद में भी इतनी अच्छी प्यारी जगह है। सो लेट्स रॉक इट, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ गाइस, बहुत मजा आने वाला है। और उससे पहले आप सबको और आपकी सारी फैमिली को हमारी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सब बहुत खुश रहो, आपके उस भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। करण हमारा बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो सफर में जब भी हम निकलते हैं तो हम गर्म पानी जरूर लेके जाते हैं अपने साथ। तो करण गर्म पानी भरते हुए, दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ज्यादा कुछ कम होता नहीं है लेकिन अंदर से अच्छा लगता है। हीना रील बनाते हुए, उसकी कोई पेड प्रमोशन कोई आई थी, तो हीना वो जॉब पे भी बिजी है, तो बट हीना भी रेडी होगी आज के ट्रिप के लिए। करण ऑल सेट? ऑल सेट, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, लेडीज। तो अभी हमारा पेट्रोल भरा रहे हम, यहाँ पे आज का पेट्रोल का रेट है 99.78। और ये धनबाद में एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ पे फ्री में नाइट्रोजन मिलती है, बाकी सारे नाइट्रोजन का चार्ज करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं धनबाद से बाहर, आप देख सकते हो ये है दहिया रोड जो कनेक्ट करती है प्रभातम मॉल, और ये सीधा जाता है मेन रोड पे। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं प्रभातम मॉल, यहाँ पे ये आप देख सकते हो धनबाद का सबसे बड़ा मॉल है ये। तो गाइस ये आ रहा है धनबाद का जंक्शन, यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आ जाएगा दिल्ली, वाराणसी, पटना, बोधगया, बहरी, पारसनाथ, और यहाँ से राइट जाओगे तो आ जाएगा दुर्गापुर, देवघर, दुमका, भागलपुर और कोलकाता। तो अब हमने जाना है यहाँ से राइट। अगर हम यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं और किसने न्यू फॉर्च्यूनर और थार की डिलीवरी ली है अभी। टाइम हो रहा है शाम के 4:15, 5th of October, और हम लोग चढ़ चुके हैं नेशनल हाईवे 19 टुवर्ड्स कोलकाता। धनबाद से जस्ट निकले ही हैं, तो 1.5 घंटे की रास्ता है मैथन के लिए। तो मज़ा बहुत आ रहा है, वेदर भी अच्छा है और रोड्स भी बहुत स्मूथ हो गई है। एक्चुअली एक बात मेरे को याद आई, बचपन में जब हम स्कूल में थे तो हम लोग ना बंक मार के यहाँ पे मैथन डैम जाते थे। तो अभी तो रोड्स बहुत अच्छी हो गई है, पहले तो बाइक रेस करते थे हम लोग टूवर्ड्स मैथन। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और आपको एक से एक जगह दिखाएंगे हम लोग धनबाद की। ओह क्या रोड है, सिनेमैटिक व्यू आ रहा है गाइस ये देखो। भाई जब आप NH19 से आते हो ना, सीधा रास्ता जो है वो चल जाता है कलकत्ता जो NH2 है। यहाँ से 1 किलोमीटर है झारखंड का टोल, बट उससे पहले आप लेफ्ट दे सकते हो, ये रास्ता मुड़ता है, तो दिस इज टुवर्ड्स मैथन। तो हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं, ये देखो आप, वो है सारा नेशनल हाईवे और ये है टुवर्ड्स मैथन रास्ता। भाई जब हम लोग पहुँच गए मैथन डैम, आपको व्यू दिखाते देखना। तो गाइज ये देखो आप, ये सारा का सारा ना डैम का पानी ओपन है अभी और पूरे फ्लो में जा रहा है। वो देखो आप वहाँ पे, वो है दामोदर नदी और ये यहाँ पे डैम ओपन। सनसेट, वाह क्या लग रहा है यार। हाँ। ऐसे करके गाइस ये मैथन डैम आए हैं और ये देखो वी आर सो लकी, गेट्स भी ओपन है मैथन डैम में, एंड सी दिस अमेजिंग व्यू। क्या मजेदार है, पानी का प्रेशर देखो कितना अच्छा है। तो गाइस वेदर बहुत अच्छा है मैथन डैम, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब भी आते थे ना तो डैम का गेट ओपन होता नहीं था, बट आज देखो ये ओपन है और क्या मस्त है, लुक एट दैट, वाओ। इधर में मेन पानी पूरा स्टोर होता है पूरा दामोदर वैली का, देख सकते हैं पूरा वहाँ पे पानी स्टोर होता है और
और बहुत ही मस्त व्यू है, इट्स सो ब्यूटीफुल, देख के ही मज़ा आ जाएगा मतलब। और आप ऑन माय राइट आप देखेंगे जब पानी वहाँ स्टोर हो जाता है तो इधर में ये गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो सारा पानी फ्लश आउट किया जाता है यहाँ पे, और क्या है ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जो यहाँ के ना माइथन डैम के गेट्स खुले हुए हैं तो आपको वो दिखाते हैं। हिना आप बताओ, आप देख क्या कैसे एक्सपीरियंस था? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखो गाइस, अब ऊपर से आते हो ठीक है, ये रास्ता छोटा जाता है, यहाँ से लेफ्ट जाके आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस आज हमारा एडवेंचर हो रहा है, ये देखो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, हाँ इधर आओ क्रॉस, ध्यान से पानी पैर ध्यान से रखना, और ये ऐसे रास्ते में हम अंदर जाएंगे अब। चलो इन आराम से, हाँ चलते 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 जाओ। तो गाइस कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ये देख लो हम लोग एकदम गलियों से छोटी छोटी जंगलों से जा रहे हैं आपको एक अलग ही नज़ारा दिखाने। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही डरावना सा है, थोड़े जंगल है गाइस। बाकी देखिए आप, हम फाइनली पहुंच गए, आपको यहाँ पे रफ्तार दिखाते हैं पानी की कितनी है। आइए गाइस, ये था आप लोग को व्यू दिखाना, पानी की रफ्तार देखो कितनी तेज है यहाँ पे, और ये सारा बाहर डैम से आ रहा है पानी। इना कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही मजेदार, मजा आ रहा है बहुत। तो गाइस माइथन डैम धनबाद, जब गेट्स ओपन होते हैं ना डैम के तो आपको ऐसा नज़ारा दिखता है, रियली वर्थ कमिंग हियर। ये देखो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, बट ओनली जब बरसात का मौसम होता है और दरवाजे ओपन होते हैं, लाइट जल रही है, चलो और सनसेट भी हो रहा है, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। इन्हें कुछ बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया यहाँ पे, लेकिन रास्ता इतना सुनसान है कि आपको थोड़ा डर लग सकता है। तो देखो आप कैसा है, ये है सारी नदी यहाँ से बको भी हमने दिखाया, और आप यहाँ देखो ऐसे जंगलों से रास्ते में होके जाते हैं, ये देख लो आप, थोड़ा स्केरी है और रात के समय तो और भी स्केरी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि नहीं, बट ये यहाँ से रास्ता आ रहा है और यहाँ से ऐसे रास्ता बाहर निकल रहा है, बड़ा ही खतरनाक सा डरावना रास्ता है ये, लेकिन थोड़ी एडवेंचरस था हमारे लिए, लेकिन मजा आया, बट वर्थ इट था। ये देख लो आप ऐसे रास्ते, बस आगे यही वो पॉइंट है जहाँ से हम लोगों को क्रॉस करना था। हाँ तो वापस से एक पैर यहाँ रखो और दूसरा पैर यहाँ क्रॉस। तो गाइज माइथन घूमते घूमते काफ़ी अंधेरा हो गया है, हमारे पीछे एक्चुअली लेक है और यहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी की और उधर आप देख सकते हो डैम है, तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ का आज, बहुत ही मज़ा आया, पहली बार हमने माइथन डैम का गेट्स ओपन देखे हमने, और इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वर्थ इट था, बहुत मज़ा आया भाई। मतलब जो डीके ने बोला गेट जब खुले हुए थे ना, पानी की लहरें ऐसे उठ के आती है, ऐसे मतलब है गेट्स नीचे बट पानी ऐसे उठ के आता है आपको, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा गाइस, छोटा सा हमने एफर्ट दिखाया है कि माइथन में हम आपको कवर करके दिखाएं, बट अच्छा लगा होगा ब्लॉग अगर गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट भी है लोगों से, जहाँ पे डेंजर साइन होता है लोग उठ उठ के जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, वो थोड़ा रिस्की है, प्लीज़ वो ना करें, पानी ही है, थोड़ा दूर से देख लो, उसको टच करके समाने की कोशिश मत करो प्लीज़, यहाँ बहुत भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो प्लीज ये भी रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स आपके एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, रीजन इसके लिए कि लोग ना यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बदमाशियाँ बड़ी करते हैं, पीछे जैसे लेक है वहाँ गिर जाते हैं, तो ये बड़ा ध्यान रखें कि यहाँ अगर कोई ध्यान आपका दे रहा है तो उनकी रिस्पेक्ट करें, और गाड़ियाँ वगैरह और बदमाशियाँ ना करें यहाँ आगे।